हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पहाड़ी भाई इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी मैं ज़रा घर से दूर आया हुआ हूं, तो यहां कुछ देखने के लिए आ रखा हूं घास वास के। और ये अपने घर के बगल में जो पहाड़ हैं ये हैं। और दोस्तों, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, बट अभी आई नहीं। और अभी मैं आपको थोड़ा पास का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं ये मेरे घर के बगल में है। ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, वो वहाँ जो मकान दिख रहे हैं वहाँ ये रास्ता जाता है। ये रोड में मकान हाल ही में लग रखा है, यहाँ दुकान खोली हुई है। और दोस्तों, आजकल हरियाली है तो यहाँ गाय बैल जो भी है वो घास खाती है। और नीचे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, और नीचे जो नदी है वो भद्रावती नदी है। तो ये यहाँ के पहाड़ हैं, अभी मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, शाम को बारिश आ सकती है। तो कल भी बारिश आई थी शाम को। तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर को, अब मैं अपने घर को जाऊँगा। ये है लैट्रिन बाथरूम। तो सामने वो है मंदिर, माँ कालिका का मंदिर है। तो दोस्तों, जो ये पहाड़ दिख रहा है आपको, यहाँ गांव का नाम है बनकोट, तो उधर आ गया भट्टी गांव। और ये पत्थर है रास्ते में। और आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हरियाली हो रही है हर जगह। यह है मेरे चाचा ताऊ जी का घर, यहाँ कोई नहीं रहता, सब बाहर रहते हैं। ये सामने पानी का नल है, इसमें पहले पानी आता था, आजकल ये बंद कर दिया। तो ये रहा, ये रहा घर। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं चलता हूँ अपने घर को। तो यार, पहाड़ों में आप देख रहे हो जो घर होते हैं पहाड़ियों में होते हैं, और यहाँ के खेत होते हैं सीढ़ीदार। तो सीढ़ीदार खेत होते हैं वो बनाने पड़ते हैं हमको, उसमें हम बैल वैल जोतते हैं तो प्रॉब्लम आती है, छोटे छोटे खेत होते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ धनिया लगाने के लिए नीचे खेत में, वहाँ का मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। फिलहाल अभी मैं इसी ब्लॉग को एडिट कर डालूँगा, अगला जो वीडियो बनाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। और आप बादल देख सकते हो कितना अच्छे मौसम हो रहा है गाँव में। तो दोस्तों, आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है उत्तराखंड। मैं परसों 2-3 दिन मेरे को इधर आए हुए हैं गाँव। इससे पहले वीडियो मैंने आपको फूल दिखाए थे, एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी फूलों की, उसमें किसी ने कॉपीराइट दे दिया, उसमें मैंने किसी का सॉन्ग डाला था, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो ये पापा ने लगा रखे हैं फूल, ये फूल लगा रखे हैं। और ये है हमारे बकरियाँ, ये बकरा, वो बकरी, वो बकरा, इससे पहले बताया था मैंने आपको। और फूल लगा रखे हैं जो नीचे आपको दिख रहा है, ये है भांग, ये भांग है। तो दोस्तों, आपको जो ये हरा हरा घास दिख रहा है, ये बाद में बड़ा होके इसको काटते हैं, गाय बैल इसको खाते हैं सुखाने के बाद। और ये मेरा घर, घर के बाहर आंगन में लगा रखे हैं, ये मैंने कटिंग करी थी इनकी। यही पापा यहाँ कपड़े धो रहे हैं, और मम्मी चक्की पीस रही है। तो गेहूँ मम्मी ने सुखाए थे, चक्की पीस रही है, इसने तीस बे। और ये है शिमला मिर्च और बैंगन, ककड़ी भी लग रखे हैं, खीरा भी लग रखे हैं, लौकी भी लग रखे हैं। गांव में सब्जी लगभग सभी मिल जाता है आजकल, करेला भी लग रखा है सामने, लौकी कद्दू का भी है, कद्दू भी लग रखे हैं, अभी लगे नहीं है, लग रहे हैं। ये नीचे जहाँ दिख रहा है वहाँ कद्दू है, वो नीचे अपनी गाड़ी। और ये रहा मेरा घर, देख सकते हैं आप, मौसम मस्त हो रहा है एकदम अल्टीमेट। तो यार, पहाड़ों की लाइफस्टाइल एकदम यूनिक है, बहुत कष्ट करते हैं यहाँ के लोग। नीचे है एक भैया, उनकी गाड़ी ख़राब हो रखी, क्या गाड़ी नहीं है, सरिया खोल रहे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, सरिया लेके आ रखे हैं बागेश्वर से। क्या खनिया,
गंदा है बिल्डिंग बनाना। अच्छा ये तो ये बागेश्वर से सरिया लेके आ रहे हैं, कच्ची रोड है, कच्ची रोड में ऐसे इस तरह से लेके आते हैं पीछे बांध के। तो रोड आप देख सकते हो कितनी गंदी रोड हो रही है, यहाँ तो फिर भी सही है, और जगह बहुत गंदा रोड हो रहा है। ये फिक्स रोड है जहाँ पर गाड़ी बस दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती। तो दोस्तों आप पहाड़ का मौसम देख सकते हो, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, वो बादल देखो आप सामने, अल्टीमेट मौसम हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा अपना घर, मैं रवि रोड से बना रहा हूँ वीडियो, पूरा घर के आगे फल फ्रूट जो भी है सब्जी वब्जी पूरा भर रखा है। ये है रोड मेरे घर के आगे, ये रोड जाती है बनकोट, टच होती है, ये है रोड। यहाँ तो फिलहाल रोड सही है, और जगह बहुत गंदी रोड हो रही है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ वहाँ चढ़ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है रोड से ऊपर जहाँ मेरे घर तक का रास्ता है जो बना रखा है सीमेंटेड। तो ये है मेरा घर, ये रही अब बर्तन धो रही है, दोपहर में से धोए नहीं बर्तन, अभी धो रही है, दे दिन का साफ बड़ा ये धो रही बर्तन। तो दोस्तों मम्मी ने गेहूं पीस दिए पहले गांव में, तो दोस्तों पहले गांव में एक चक्की हुआ करता था, वहाँ सारे चक्की पिसाने के लिए लेके जाते थे गेहूँ चावल जो भी है। तो आजकल घर घर में चक्की है, तो मैं आपको चक्की दिखाता हूँ, चलते हैं चक्की की तरफ। हाँ है क्यों ने, हाँ लगा है। तो दोस्तों ये है कम क्या क्या रखा हुआ है, कपड़े वपड़े जो भी सामान है सब यहाँ रख देती है। ये रहा चक्की, तो ये छोटा सा चक्की है, आपको जो ये काला काला दिख रहा है ये कम ज़्यादा करने वाला है, आप जितना मोटा जितना पतला पीस सकते हो तो इससे कम ज़्यादा होता है, और ये खोल के इससे आप मशीन साफ भी कर सकते हो। तो ये रहा, इसको डग बोलते हैं हमारे वहाँ, इसमें डालते हैं गेहूँ, तो इसमें डालने के बाद पीसते हैं। तो ये है चक्की, आजकल ये हर घर में चक्की, यही चक्की आपको मिलेगा। तो ये धोरी मम्मी बर्तन, और ये है गांव का सीन मस्त वाला, अच्छा मौसम हो रहा है। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अरे मैं खेत में जा रहा हूँ, वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, बने रहे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जय उत्तराखंड।